उनका साथ देने आ रही हैं साहब, राइटर प्रोड्यूसर, वो भी उनकी पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर, वो भी डेब्यू कर रही हैं, एंड शी इज लिविंग द राइटर्स ड्रीम. प्लीज वेलकम द प्रोड्यूसर द राइटर ऑफ द्रौपदी, कनिका ढिल्लन. बैठिए साहब. कृति नेशनल अवार्ड भी हो गया इस बार, ठीक है. इतनी सारी जो है फिल्में भी सब हिट हो रही हैं, बॉक्स ऑफिस भी जो है अपना धड़ाधड़ चलता रहता है, ठीक है. तो ऐसा क्यों लगा कि प्रोड्यूसर भी बनना चाहिए? या ये अभी नहीं लगा एक्चुअली, ये इन सब चीज़ों और नेशनल अवार्ड के पहले लगा था. आई थिंक हर एक्टर के लाइफ में या हर इंसान के लाइफ में एक टाइम आता है जब उन्हें लगता है कि यार अभी ये तो अच्छा है बट और क्या, what next, you know. And for me, I feel creatively inclined, I always have, and I always wanted to be a part of films, tell stories, you know, in ways other than just being an actor on set. Aur mujhe ek aisi film ke liye karna tha jahan main bahut madly passionate hu us kahani ko lekar. Dopati wo aisi kahani thi जो जर्म से लेकर आइडिया से लेकर आई वॉज विथ कनिका, यू नो, थ्रू द फिल्म. ऑल्सो आई थिंक मिमी के बाद कहीं ना एज एन एक्टर आई वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट आई वॉन्टेड टू फाइंड समथिंग जहाँ यू नो लेयर्ड हो, इंटेंस हो. एज एन एक्टर आई फील सेटिस्फाइड और अपने आप को पुश कर सकूँ, कुछ अलग कर सकूँ जो पहले कभी नहीं किया है. और बहुत टाइम से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी. And I feel and I believe that sometimes when you can't find an opportunity that really, really excites you, you gotta create one. So I feel like Dopati was that opportunity, even as an actor, that I felt that I wanted to create. And I want to thank Kanika for creating it with me and for giving me my most challenging role, even as an actor. And this journey has been beautiful because जैसे आप बच्चे को देखते हो ना पैदा होते हुए, फिर धीरे धीरे बड़ा होते हुए, उसके अलग अलग रूप, उसी तरह से मेरी छोटी सी बटरफ्लाई जो है उसकी पहली कथा है, आई वुड से. एंड जर्म से लेकर आइडिया से लेकर उसे स्क्रिप्ट बनते हुए देखना, फिर उसे अलग अलग ड्राफ्ट से गुजरते हुए देखना, उसका म्यूज़िक, उसका लुक, वो किस तरह से पर्दे पर आती है, वो सारी उस प्रोसेस का पार्ट होना, आई थिंक वॉज क्रिएटिवली वेरी वेरी सैटिस्फाइंग. एंड आई होप कि मैं इसके बाद और ऐसी कई कहानियाँ सुना पाऊँ. माशाल्लाह, क्या बात है सर. कनिका, आपसे मैंने जब कहा था कि यू आर लिविंग अ राइटर्स ड्रीम, तो ये एक हर राइटर का ख्वाब होता है कि साहब उसकी कहानी पे उसको सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा हक मिले, ठीक है. एवरीबडी लव्स यू, यू आर लाइक रेमंड, ठीक है. पीपल ईट आउट ऑफ योर हैंड्स. तो क्यों आपको लगा कि ये वो सही स्क्रिप्ट है, कहानी है जिसमें आपको भी एज ए प्रोड्यूसर आना चाहिए? वो क्या मौका था और वो क्या सही तरीका है जिससे इंसान राइटर से प्रोड्यूसर बनता है? पता चल जाए तो हम भी ट्राई करें सब. वेल, यू नो, एज अ राइटर, एज अ राइटर, यू नो, स्टोरीज रियली मैटर टू मी. स्टोरी टेलिंग रियली मैटर्स टू मी. एंड यू नो, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव एन ऑडियंस एज अ राइटर. बट यू नो, द बेस्ट गिफ्ट that a teller and an audience can have is a well told story. And producer ban ke hi main wo commitment puri kar sakti thi, mujhe aisa lagta hai. Apni kahani ki producer ban ke I can fulfill that commitment that my story can be well told and the vision will be what it needs to be. So, and Dopati is that story which is very close to my heart. Kriti has been with me on that journey. It is, it'll surprise you, it'll shock you, it'll enthrall you, it'll make you think. So, you know, I'm very fortunate that I got to turn producer with this particular story. And also, I have a platform partner, Netflix, with a global audience, a global reach, their commitment to storytellers and creators. So I couldn't have found a better team to turn a debut producer and launch Katha. Now coming to my most favorite producing partner, Kriti. Yes. As she most beautifully put it, ki choti si butterfly ki pehli katha,
You know, she is an incredibly talented actor, and I'm so proud to say that, you know, when I saw the rushes and the performance, I think this is her best work till date, and it's just the beginning because she's incredibly, insanely talented, and I'm so proud that, you know, we got to work together. Of course, you know, casting Kajol ma'am as a writer and a producer is a dream come true. She's a legendary actor, and you know, seeing the screen light up with Kriti versus Kajol is any writer's and producer's dream. And above all, the captain of my ship, I would like to thank my director, Bob, a very sought after ad film director. He's not here with us, but he's very excited about this. And all in all, I'm very happy that I got a dream team to debut as a producer and launch my company, Katha Pictures. Kya baat hai? Ye mujhe genre ka thoda sa samjha dijiye ki aap ko kyun laga ki ye wali film se hi apan shuru karenge. What is so attractive about it? Like, I also want to understand this exactly. कि ये thriller का क्या है ये thrill? आप बहुत सारी लिखती हैं, ठीक है? मुझे thrill में मजा आता है, बोरियत से डर लगता है. अच्छा. और इनके कोई characters सीधे नहीं होते हैं. हाँ. So ये भी है कि कुछ ना कुछ layers रहते हैं, थोड़े grey रहते हैं, which is actually very exciting as an actor. And I think हम सब grey हैं यार, कहीं ना कहीं black and white तो बहुत ही कम लोग होते हैं. But for me, thriller, it's a genre that is very difficult to write, even more difficult to direct, because you have to keep the audience engaged throughout. You have to keep them guessing. And maine kabhi isse pehle thriller nahi kiya, meri pehli thriller hai. I would not call this a thriller. I would say it is an emotional drama thriller, because there is a lot of emotion in it. There is a lot of drama in it. Thrill ek aspect hai. Teaser thrilling hai, but film ke andar bahut emotion hai. For me, maine ye nahi socha tha ki yaar acha is genre se start karte hain. I think jo idea hai, jo film keh rahi hai, jo baat kehne ki koshish kar rahi hai film, jo film dekh ke hi pata chalega, but wo baat jo thi wo dil ke bahut kareeb thi, aur that I shared with Kanika. Inke paas ek idea tha, inhone do ideas ko aise marry kar diya bahut hi beautifully, aur I think वो बात कहने का मन था, उससे थ्रिलिंग जॉनर बन गया, वो अलग बात है, है ना? मल्टीपल लेवल्स पे दो पत्ती है ये, जी जी जी, वाह. तो इसमें एक काजोल भी हैं, वो आज हमारे साथ नहीं है, पर उन्होंने मेरे ख्याल से एक संदेशा भेजा है, तो आइए वो देख लेते हैं. कैन यू प्लीज प्ले. हे गाइस.